व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आनंद सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हो अपने लिए बेस्ट माइक्रोफोन फॉर वीडियो, एंड दोस्तों वीडियो में पता है आपको वीडियो तो है ही है, लेकिन दोस्तों उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। ऐसे में दोस्तों आपकी साउंड की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे जब भी आप माइक ढूंढते हो ना, तो दोस्तों पहला तो बोया का माइक आता है, दूसरा JBL का, लेकिन दोस्तों इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन तो दूर होंगे ही, साथ में दोस्तों इसकी यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों इनमें प्राइस का डिफरेंस कोई खास नहीं है। इसलिए दोस्तों यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए भी हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपली देख सकते हो दोनों के दोनों माइक हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों ये है बोया की तरफ से, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये है प्रॉपर बोया का। यहाँ पे दोस्तों ओरिजिनल है, बेसिकली गाइस आपको मार्केट में बहुत सारे फेक माइक मिलते हैं, इसलिए दोस्तों सावधान रहिए। इसका मॉडल नंबर है YM1। एंड दोस्तों इसके साथ यहाँ पे इसके सब कुछ फीचर वगैरह यहाँ पे लिखे रहते हैं। एंड दोस्तों पैकेजिंग इसकी नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों आपको अवेयर जरूर रहना है कि भैया कौन सा यहाँ पे फेक माइक है। दोस्तों ये वाला फेक माइक है, ये ओरिजिनल है, जिसकी दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बनाई है कौन कौन से डिफरेंस है। दोस्तों आई बटन भी आपको मिल जाएगी, जो आप बाद में देख सकते हो, या फिर दोस्तों हम सिंपली यहाँ पर बता देते हैं ये है भैया बोया की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों नंबर 2 पे है ये है JBL का, जिसका मॉडल नंबर है CSLM20B। यानी दोस्तों यहाँ पे दोनों की पैकेजिंग सेम है, दोनों का स्टाइल सेम है, दोनों की भैया इंटरनल मटेरियल सेम है। यानी दोस्तों दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इस प्रकार से बोया के अंदर आते इस प्रकार की पाउच, जिसके अंदर भैया माइक्रो फोन रहते हैं। ऐसे में दोस्तों देख सकते हो ये है भैया जो है JBL की तरफ से। एंड दोस्तों दोनों की पाउच और भैया सब कुछ सेम है, इसीलिए दोस्तों दोनों को भैया एक एक पॉइंट मिलता है। ऐसे में दोस्तों हम सिंपली इसको निकाल लेते हैं। ऐसे में दोस्तों दूसरा जो है यहाँ पे ये है JBL की तरफ से। सिमिलर दोस्तों पैकेजिंग मामले में यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से प्रेस करो और भैया यहाँ पे फोल्ड। ऐसे में दोस्तों इसको सिंपली निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है भैया JBL की तरफ से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी सबसे पहले प्राइजिंग की। प्राइजिंग आपको पता होगा कि बोया वाले माइक की 690 यानी 690 रुपये, और दोस्तों JBL के माइक की यानी 799 बोले तो 800 रुपये। प्राइजिंग के मामले में यहाँ पे जो बोया का माइक है यानी एक पॉइंट ले लेता है, क्योंकि दोस्तों पूरे 110 रुपये का अंतर है, इसीलिए दोस्तों यानी एक पॉइंट यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोया के माइक की तरफ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस में सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये वाला जो यहाँ पे मॉडल है, दोनों के दोनों मॉडल किसी भी स्मार्टफोन में लगा सकते हो, और तो और मोबाइल टैब हो गया, और तो और आप यहाँ पे DSLR कैमरा में लगा सकते हो। ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में यहाँ पे एक विचार आया होगा कि मेरे पास तो यहाँ पे टाइप सी जैक है, 3.5 mm का जैक ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वाले यहाँ पे कनेक्टर आता है, ये भैया कैंडीटेक की तरफ से है। आप भैया ऑफलाइन में परचेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप वहाँ पे तुरंत यहाँ पे लगा करके चेक करके लेके आ सकते हो। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पे ऑडियो जैक, बेसिकली इसको कहते हैं टाइप सी टू यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक, इसलिए दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हो, जो भैया 50 रुपये की आती है। इसकी मदद से दोस्तों आप हर एक टाइप सी यहाँ पे सपोर्टेड डिवाइस में लगा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों को इसी बात पे यहाँ पे एक एक पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है भैया इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसा कि आपको पता है इसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे दोस्तों बोया वाले माइक से यहाँ पे कंपैरिजन करें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हर एक जो मटेरियल है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे एक सेल डालने की यहाँ पे मतलब सेल डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक और अच्छी बात आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि दोस्तों सेल की नीड नहीं रहती अगर आप इसको मोबाइल में यूज करते हो। यानी दोस्तों अगर आप इसको मोबाइल में यूज करते हो ना, आप इसका सेल यहाँ पे डाल भी सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते, लेकिन दोस्तों आपकी साउंड क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये वाला सिर्फ यहाँ पे यूज होता है सिर्फ कैमरा मोड के लिए। जब भी आप भैया कैमरा मोड ऑन करते हो, जैसे मैं बता देता हूँ, यानी दोस्तों इस प्रकार से जब भी आप कैमरा मोड यहाँ पे ऑन करते हो कुछ इस प्रकार से, तब जाकर भैया इस सेल की यहाँ पे जो भी जरूरत मान लीजिए या फिर इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे मेरे को बिल्ड क्वालिटी दोनों की भैया हैंड फील की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे बोया वाला का जो यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे JBL वाला जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसकी वायर क्वालिटी हो गया, साथ में इसकी भैया जो क्या कहते हैं रिचनेस है, यानी दोस्तों इसकी वायर ऑटोमेटिक रिच है, क्योंकि दोस्तों ठंड के मौसम में थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड हो सकती है। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मलाईदार है, बोले तो बिल्कुल सॉफ्ट है। इसीलिए दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में और दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस तो भैया हम बाद में हम चेक करने ही वाले हैं। यानी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे JBL के माइक को हम एक पॉइंट देते हैं।
तो दोस्तों लास्ट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है भैया साउंड क्वालिटी। सबसे पहले दोस्तों हमने भैया निकाल लिया है, ये है बोया की तरफ से, सिंपली हमारा कैमरा मोड ऑन है। अब दोस्तों हम जैसे कि हम कैमरे में यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, सिंपली मैं यहाँ पे साउंड सुनाता हूँ जैसे आपको। सिंपली हमारा जो भी माइक है हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो ये आ रही है फ्रॉम बोया माइक, एंड बोया के एम्बन माइक से आ रही है। अब दोस्तों आप जस्टिफाई कर सकते हो भैया जो बैकग्राउंड साउंड है कितने रिड्यूस कर रहा है, सब कुछ दोस्तों आप देख सकते हो। ऐसे में दोस्तों ये है भैया बोया की तरफ से यानी दोस्तों ऑडियो। तो दोस्तों ये वाली थी भैया बोया के माइक की। अब सिंपली वह साउंड टेस्टिंग करते हैं JBL के माइक की। सिंपली ये फोम साइज निकल चुका है, इसको हम डाल लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे इस वाले माइक में भी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दे रखा है जैसा कि देख सकते हो। सिंपली हम भैया इसको यहाँ पे कैमरा मोड पे देख सकते हो, कैमरा मोड पे हमने कर लिया है। सिंपली हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो ये आ रही है JBL की तरफ से। दोस्तों JBL के माइक की आवाज़ है। प्लीज़ मेरे को कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सी आवाज़ आपको मतलब अच्छी लगी। ऐसे में दोस्तों ये CSLM 20V वाले मॉडल की आवाज़ है। एंड दोस्तों यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि कौन सी आवाज़ यहाँ पे परफेक्ट है। तो दोस्तों फाइनली भैया हमने टेस्टिंग की है और ये भैया फाइनल कंक्लूजन और फाइनल पॉइंट जाता है JBL के माइक की तरफ, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमने जो साउंड क्वालिटी टच करी है या फिर फील करी है बहुत ही अच्छी है। क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनली इसको DSLR में भी यूज करता हूँ और फ़ोन में भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छी साउंड देता है फ्रॉम बोया माइक। ऐसे में दोस्तों ये बोया वाले माइक पे 100 रुपये आप एक्स्ट्रा परचेज मतलब यहाँ पे खर्च कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको ये वैल्यू फॉर मनी देगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोया का माइक यहाँ पे थोड़ा सा कम है वायर क्वालिटी के मामले में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वॉइस क्वालिटी लगभग सेम ही है। इसलिए दोस्तों मैं प्रेफर करूँगा कि आप JBL के माइक को परचेज करें। फिर भी दोस्तों आप चाहते हो कि बोया के माइक को परचेज करना, ऐसे में दोस्तों आप ओरिजिनल प्रोडक्ट जरूर खरीदें। दोस्तों इस वाली वीडियो पे जाकर आप देख सकते हो आसानी से भैया कौन सा भैया फेक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।